हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। फ्रेंड्स, चलिए आज हम विश्व के कुछ प्रमुख मरुस्थल को देखते हैं। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां जाके आप इसके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं मरुस्थल को। फ्रेंड्स, हमेशा की तरह चार्ट में पढ़ने से पहले एक बार हम मैप से ओवरव्यू ले लेते हैं, ताकि जब हम चार्ट में पढ़ेंगे तो हमें जो है सारी चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि मरुस्थल बनते कहाँ हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं कि मरुस्थल बनने के लिए क्या होनी चाहिए। तीन परिस्थितियां होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा, तीन परिस्थितियां। पहली ये चीज कि जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं होंगी। महासागरों के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे महासागरीय धाराएं, ठंडी महासागरीय धाराएं होंगी, वहां पे मरुस्थल बनेंगे। क्यों बनेंगे वहां पे? क्योंकि जहाँ ठंडी महासागरीय धाराएं होती हैं, वो क्या करती है, स्थिरता को जन्म देती है। स्थिरता को जन्म देने के कारण यहाँ पे जो है वर्षा नहीं होते, और वर्षा नहीं होती तो यहाँ पे मरुस्थल बनते हैं। इतना क्लियर है। अब दूसरी चीज ये देखते हैं, दूसरी चीज क्या होनी चाहिए कि अक्सर हमने देखा कि महाद्वीप के जो पश्चिम वाले भाग हैं, आप देख रहे हैं महाद्वीप के जो पश्चिम भाग है वहां पे मरुस्थल बनते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मरुस्थल क्यों बनते हैं? हमने जब पवन पढ़ाया था तो आपको बताया था कि तीन पवनें होती हैं। ठीक है, एक होती है आपकी व्यापारिक पवनें, एक होती है आपकी पछुआ पवनें और एक होती है आपकी ध्रुवीय पवनें। तो जो व्यापारिक पवनें होती हैं वो क्या होती है, पूर्व की तरफ चलती हैं। ठीक है, और पूर्व की तरफ चलती है तो ये समुद्रों से क्या लेकर आती है, आर्द्रता लेकर। जैसे जैसे आर्द्रता लेके बढ़ेगी और जैसे जैसे ये महाद्वीप के अंदर इंटर करेंगी तो इनकी आर्द्रता क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी और ये शुष्कता को जन्म देगी। ठीक है, और शुष्कता के कारण क्या होगा कि यहाँ पे वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थलों का निर्माण होगा। इतना क्लियर है। तीसरी चीज ये देखते हैं कि हमेशा जो है मरुस्थल जो है हाई प्रेशर पे, हाई प्रेशर बेल्ट पे 30 से 35 के बीच जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। अब ये क्यों होता है, तो देखिए, जब ये है आपका ग्लोब, ठीक है, यहाँ पे है विषुवत रेखा, ये है आपकी, ये है आपकी, यहाँ पे जो है 30 से 35 डिग्री, ये है हाई प्रेशर बेल्ट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है हवा जो है ऊपर उठती है। अब ये क्यों होता है, इसको हम डिटेल में आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ पे बस इतने सुन, यहाँ पे हवा गर्म होके ऊपर उठती है और यहाँ पे क्या होती है, बैठ जाती है। ठीक है, यहाँ भी वही कंडीशन होती है, यहाँ पे हवा जो है बैठती है, और जब यहाँ पे हवा बैठती है क्योंकि लो प्रेशर होगी वहां पे हवा उठेगी, और हाई प्रेशर पे हवा क्या है, ठंडी होकर बैठ जाएगी। ठीक है, ठंडी हवा बैठती है तो यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, जिस, और यहाँ पे फिर वर्षा वही है, वर्षा नहीं होगी, और वर्षा नहीं होगी तो मरुस्थल का निर्माण नहीं होगा। इतनी चीजें क्लियर है आपको। तो अब हम देखते हैं कि विश्व में कहाँ, देखिए मरुस्थल कहाँ है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए, ज्ञानी नहीं बनना है, एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया में आते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में यहाँ आपको तीन चार डिजर्ट याद रखने, एक तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, गिब्सन डिजर्ट, ग्रेट सैंडी डिजर्ट और एक जो है सिम्पसन डिजर्ट। ठीक है, तो बस ये याद रखिएगा कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, और हमेशा की तरह ये याद रखना कि महाद्वीप के पश्चिम भाग में ही जो है मरुस्थल का निर्माण होता है। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे कौन कौन सी डिजर्ट याद रखने हैं ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन और ग्रेट सैंडी। ठीक है, अब आते हैं हम अमेरिका में। अमेरिका में आपको सिर्फ दो डिजर्ट याद रखने हैं। ठीक है, एक ये अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पे एक है सोनोरन डिजर्ट, सोनोरन डिजर्ट। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यूएसए में एक है आपका सियारा नवोदा डिजर्ट, सियारा, अभी हम इसको चार्ट में देखेंगे, इसको सियारा नेवादा डिजर्ट। ठीक है, ये कहाँ है, यूएसए में। तो यूएसए में, अमेरिका में सिर्फ आपको ये दो डिजर्ट याद रखने हैं। ठीक है, अब आते हैं हम
दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में याद रखना ये अर्जेंटीना है, ठीक है। अर्जेंटीना में आपका एक डिजर्ट है पेटागोनिया डिजर्ट, ठीक है, इसको याद रखना है। और यहाँ पे याद रखना चिली है, यहाँ पे चिली, चिली में आपका है आटाकामा डिजर्ट, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। क्लियर है इतना? बस इसमें यही दो डिजर्ट आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं हम अफ्रीका में। अफ्रीका में आपको सबसे बड़ा डिजर्ट जो है सहारा डिजर्ट, उसको याद रखना है, ठीक है। और दूसरा आपका कालाहारी डिजर्ट। कालाहारी डिजर्ट तीन देशों के बीच है, ठीक है। एक है आपका बोत्सवाना, ठीक है, एक है नाबिया और एक है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। तो ये कालाहारी डिजर्ट यहाँ पहला है, ठीक है। अब हम एशिया की तरफ आते हैं, तो याद रखना सबसे ये डिजर्ट है गोबी डिजर्ट, ठीक है। गोबी डिजर्ट मोस्ट स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट है, ये चीन और मंगोलिया में है, ठीक है। तो ये डिजर्ट ये याद रखना है। चीन में है एक आपका तकला माक डिजर्ट, इसको याद रखना है, ठीक है। आते हैं ईरान में। ईरान में आपको दो डिजर्ट याद रखने, एक तो दस्ते लूत और दस्ते कबीर डिजर्ट, ठीक है, ये आपको ईरान में याद रखने हैं। उज्बेकिस्तान में आते हैं, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है, ठीक है, यहाँ पे उज्बेकिस्तान है। उज्बेकिस्तान में आपको याद रखना है काइजिल कुम, ठीक है, काइजिल कुम डिजर्ट, ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक, काइजिल कुम डिजर्ट, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, काराकुम डिजर्ट, ये कहाँ पे है, तुर्कमेनिस्तान में, कहाँ है, तुर्कमेनिया में है काराकुम डिजर्ट, बस यहाँ पे यही याद रखना है, ठीक है। सऊदी अरब में आते हैं, यहाँ पे नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दो डिजर्ट याद रखना है, तो नाफूद मरुस्थल बहुत बार आ चुका है, और रब अल खाली, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, रब अल खाली डिजर्ट कहाँ है आपके, सऊदी अरब में, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। और आप थार मरुस्थल तो आपको पता ही है कि भारत में है, ठीक है, भारत पाकिस्तान के मध्य है, ठीक। अब इसमें बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, इतने डिजर्ट, ठीक है। तो चलिए इसको हम जो है एक बार चार्ट से देख लेते हैं, ताकि चीजें और क्लियर हो पाए, ठीक है। देख लेते हैं विश्व के प्रमुख मरुस्थल। देखो मरुस्थल वहां होते हैं जहां वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होगी, मतलब नहीं के बराबर, जहां वर्षा होगी वहां पे मरुस्थल का निर्माण होगा। हमने देख लिया है अभी कि मरुस्थल का निर्माण कैसे होगा। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, सहारा मरुस्थल, हमने अभी देखा कहाँ है, उत्तरी अफ्रीका में। और विश्व का सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल पूछा जाए तो कौन है आपका, थार मरुस्थल, ठीक है। और सबसे शुष्क मरुस्थल अगर पूछा जाए तो कौन है आपका, कालाहारी मरुस्थल। इतना चीज क्लियर है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ मरुस्थल को लिया है, एक में नाम है और दूसरे में क्षेत्र है, ठीक है। तो देखिए पहला है सहारा मरुस्थल, जो कहाँ है आपके, उत्तरी अफ्रीका में। सिम्पसन मरुस्थल कहाँ है आपके, ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन मरुस्थल कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में। ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इतनी चीजें यहाँ याद रखनी, सहारा, उत्तरी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के तीन डिजर्ट, सिम्पसन, गिब्सन और ग्रेट विक्टोरिया। सऊदी अरब की दो डिजर्ट याद रखनी है, नाफूद और रब अल खाली, रब अल खाली, ठीक है। चीन और मंगोलिया के बीच में गोबी डिजर्ट, ठीक है। कालाहारी डिजर्ट दक्षिण अफ्रीका में है, बोत्सवाना, नाम्बिया और दक्षिण अफ्रीका के मध्य स्थित है, क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं। तकलामाकन हमने देखा था, तकलामाकन, तकलामाकन कहाँ है आपके, चीन में, ठीक है। काराकुम कहाँ है, तुर्कमेनिया में, हमने अभी देखा था। थार मरुस्थल भारत और पाकिस्तान के बीच। आटाकामा उत्तरी चिली में। सोनोरन कहाँ है, अमेरिका और मेक्सिको की सीमा पर। काइजिल कुम कहाँ है, उज्बेकिस्तान में। दस्तेलूत कहाँ है आपके, ईरान में, क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे देख लेते हैं। ये देखा था दस्ते तबीर ईरान में, ठीक है, दस्ते कबीर ईरान में। पेटागोनिया अर्जेंटीना में, दक्षिण अमेरिका के नीचे, ठीक है। और एक सियरा नेवादा कहाँ है, यूएसए में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया आपको, वीडियो यही खत्म करते हैं, कैसा लगा बताइएगा जरूर। थैंक यू फॉर